हेलो दोस्तों, जे के वी कोलकाता न्यूज़ में आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम कस्बा इलाका वार्ड नंबर 108 में वोटर लोगों का रुझान जानने की कोशिश की। बिजनेसमैन, स्टूडेंट और वोटर जो लोग थे, उन लोगों से मैंने जानना चाहा कि वो लोग किसके तरफ हैं और वो लोग इस दफ़ा किसको वोट देंगे। तो आइए आगे सुनते हैं कि इन लोगों ने क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान, जे आज के वी से कोलकाता 15-16 साल न्यूज़। पहले बिहार से आए थे तो लगता था कि कहाँ हम आ गए, गांव की तरह लगता था। आज एकदम बिल्कुल सिटी है। आप राजाराट चले जाइए, न्यू टाउन चले जाइए, देखिए आसाम में जो है बीजेपी नेता के गाड़ी से जो है ईवीएम बरामद हुआ था। ये सब क्या है? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। यहाँ पर तो करीब 20 साल से जावेद खान MLA हैं। सबसे बड़ा बात है कि हम बाहर का नुमाइंदा क्यों चुने। यहाँ जावेद खान है, समझ लीजिए कि 24 घंटे में कभी भी कोई दरकार पड़े तो आदमी जा करके उनसे काम करवा लेता है। हर वक्त जो है हर आदमी के लिए खड़े रहते हैं आदमी, उसको लेकिन जावेद खान ने काम किया यहाँ पे, मतलब बहुत काम किए हैं। कुछ काम भी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत काम हुआ है इस इलाके में। देखिए, स्ट्रीट लाइट वगैरह, रोड, ड्रेन लाइन नहीं था, मीठा पानी का साधन नहीं था, हर चीज़ तो मिला, हर हर कारखाने में मिला, हर घर में मिला। देखिए, कहने के लिए तो बीजेपी भी बोल रहा है कोई उन्नयन नहीं हुआ है यहाँ पे, लेकिन आज बंगाल को देखिए, बंगाल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हम लोग आए थे करीब आज से 15-16 साल पहले बिहार से आए थे तो लगता था कि कहाँ हम आ गए, गांव की तरह लगता था। आज एकदम बिल्कुल सिटी है। आप राजाराट चले जाइए, न्यू टाउन चले जाइए, जाके देखिए, लगेगा फ़ौरन में आ गए हैं आप। उन्नयन का खेला होगा, परिवर्तन का खेला होगा। जो बीजेपी बोल रही है ना परिवर्तन परिवर्तन, दीदी ने जितना परिवर्तन कर दिया उतना बहुत काफ़ी है यहाँ के लोगों के लिए। बिल्कुल चोरी हो रहा था, वहाँ के लोगों ने इन्फॉर्म किया तो दीदी गई, चोरी तो हो ही रहा है। अभी देखिए आसाम में जो है बीजेपी नेता के गाड़ी से जो है ईवीएम बरामद हुआ था। ये सब क्या है? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये अगर सुनार बंगला बनाना होता तो जो जो राज्य में बीजेपी का सरकार है उस राज्य में सुनार बंगला एक तो बना देना, फिर देखे तो एक तो कहने के लिए ये उदाहरण हो जाएगा, यहाँ सुनार बंगला बना हुआ है। यूपी में देखिए अभी क्या बुरा हाल है, आदमी मैंने चैन से वहाँ पे नहीं है, कितना बलात्कार हो रहा है आए दिन, मैंने न्यूज़ में आदमी सुनते हैं कि बलात्कार हो रहा है। मेरा नाम नियाज हाशमी उर्फ बबलू। को चाहते हैं जावेद खान के काम को देखते हुए वोट करेंगे। उन्होंने बहुत विकास किया है, रोड, स्ट्रीट लाइट, मीठा पानी, सारा आप चारों तरफ देख सकते हैं उनका काम। आप बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, यूपी को तो बना दिए हैं सुनार यूपी, इसका बाकी है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है यूपी में। बोलने से थोड़ी होगा, इतना अच्छा होते तो उनको 33 साल बाद जनता नकारती क्यों। हाँ, जावेद खान साहब को हम लोग देंगे मौका, उनका बहुत काम किया हुआ है यहाँ पे, रोड है, मीठा पानी है। लोग दीदी को वोट देंगे, मीठा पानी। अरे गांव देहात में जाकर साइकिल दिया, बच्चों को स्कूल पढ़ने जा रहा था आराम से, इतना काम किया, विकास किया है गांव गांव में जाके, बहुत विकास हुआ है। हाँ, रोड बनाया है, ड्रेनिंग बना है, पानी मीठा पानी आया, सब कुछ तो किया है। हाफिज खान जी, मेरा नाम फैज़ान है और मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ और मैं सेकंड टाइम वोटर हूँ। मैं दीदी को वोट दूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, और जैसे जैसे कि लॉकडाउन हो गए हम लोग को यूथ को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बट यहाँ वैसा कुछ नहीं है। बंगाल में दीदी हमेशा हम लोग के साथ, यूथ के साथ हमेशा खड़ी रही। लॉकडाउन में देखिए यहाँ उस तरह से दिक्कत नहीं जैसे अदर स्टेट में हुई। जावेद खान जी ने बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूशन किया और भी यहाँ जितने लोकल लोग हैं उन लोग भी एक दूसरे को बहुत हेल्प किए हैं इस लॉकडाउन में, तो हम लोग ने उस तरह से स्ट्रगल नहीं किया लॉकडाउन में जैसे और सब जगह है, तो हम लोग खुश है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे हम लोग कोई तरह की तकलीफ़ नहीं है, यहाँ के सब पुलिस कर्मचारी भी जो है सब बहुत सपोर्टिव है, हम लोग ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। लोग जो हम लोग के अगल बगल है उनको तो ज़्यादा अच्छे से करीबी से जानते हैं, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं या जो नए हैं उन हम कैसे जानेंगे, तो जो काम करे उसी बेस पर हम लोग उनको वोट देंगे और दीदी को जिताएंगे। फैज़ान खान। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जेकेवी कोलकाता न्यूज़। थैंक यू।